गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली जो है करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं। आज हम सीए पे बात करेंगे। थंबनेल में आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पिछले महीने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बहुत ही खबरों में रहा, सुर्खियों में रहा। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट है क्या, ये न्यूज़ में क्यों था, ठीक है, इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, क्या विवाद है और इसको लेकर के जो है केंद्र सरकार का क्या रुख है, उन सारे पक्षों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आप थंबनेल में देख रहे हैं वो खबरों में क्यों था, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए चर्चा में क्यों है, खबरों में क्यों है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना खबरों में क्यों है, चर्चा में क्यों है। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सबसे पहले आपको बता दूं ये 9 दिसंबर 2019 आज से 4 साल पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन किया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा से पारित किया गया 9 दिसंबर 2019 को, ये लोकसभा से पास किया गया। उसके 11 दिसंबर ठीक 2 दिन बाद नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के एसेंट मिलने के बाद ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो सीएबी कहलाता था वो जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और अभी 4 साल बाद आपको पता है कि 12 दिसंबर 2019 को जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किया, अपनी सहमति दी, उसके बाद पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा और दिल्ली के शाहीन बाग से इस कानून के खिलाफ जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है शुरू हो गया था और पूरे देश में जो है इस कानून का विरोध किया गया। और 2020 में कोविड महामारी आने के बाद जो विरोध प्रदर्शन था वो बंद हुआ और अभी हाल में 11 मार्च 2024 4 साल बाद पुनः भारत सरकार ने पिछले महीने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून को जो है नोटिफाई कर दिया, इसकी अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद जो है फिर से सीए जो है चर्चा में आ गया है। तो हमने अभी देखा कि चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है वो जो है फिर से भारत सरकार ने उसके पूरे देश में लागू करने के लिए 11 मार्च 2024 को पूरे देश में जो है अधिसूचित कर दिया है। अब एक एक करके देखेंगे ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बेसिकली है क्या। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं 1955, ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955 जो है कि ये भारत सरकार कौन सा व्यक्ति नागरिक होगा नहीं होगा, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, उसको परिभाषित करता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है उसमें देखेंगे। सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आप देखेंगे जो नागरिकता अधिनियम है ये किसका है, ये केंद्र सरकार का विषय है, ये केंद्र सरकार का विषय है, इट इज सब्जेक्ट ऑफ केंद्र सरकार। दूसरा जो है ये भारत के संविधान है उसके अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का विलोपन उसके बारे में प्रावधान करता है और ये केंद्र सरकार का है। दो और तीसरा ये है कि ये संघ सूची का विषय है, इसके बारे में केंद्र सरकार कानून बना सकती है और ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपने देखा कि नागरिकता के बारे में हमने 3 पॉइंट्स देखे कि ये संघ सूची का विषय है, ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को प्रदान करने या उसकी नागरिकता को विलोपन के बारे में, उसको नागरिकता छीने जाने के बारे में प्रावधान करता है और ये जो है केंद्र सरकार इसको अधिसूचित करती है या उसको नोटिफाई करती है। तो ये जो 1955 का अधिनियम है अभी उसको लेकर के जो है 2019 में जो कानून बनाया गया उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं कि जो नागरिकता दी जाएगी वो किस तरह से दी जाएगी। तो इसमें देखेगा ये जो अधिनियम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये 1955 का जो कानून है नागरिकता अधिनियम 1955 उसमें कुछ संशोधन करता है। वो संशोधन क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, इस अधिनियम के माध्यम से 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो 3 इस्लामिक कंट्री है जो मुस्लिम बहुसंख्यक देश है वहां पे रहने वाले जो 6 अल्पसंख्यक है मुसलमानों को छोड़ करके, इसमें आप देख रहे होंगे उसमें आपके हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये जो है 6 अल्पसंख्यक है उस देश में रहने वाले 6 अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले 6 अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, ये 6 अल्पसंख्यकों को
ठीक है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान है और उसके लिए डेट ऑफ जो डेट लाइन है, कट ऑफ डेट है वो है 31 दिसंबर। कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वैसे गैर मुस्लिम व्यक्ति जिनको धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और वो छः इन छः धर्मों से संबंधित है, उनको भारत सरकार अगर वो 31 दिसंबर 2014 तक आए हों, भारत में आए हों किसी तरीके से, तो उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। और वो जो ग्राउंड है वो क्या है, धार्मिक उत्पीड़न, मतलब जिनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ हो, उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ हो, तो अगर वो भारत आए हों 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो ये अधिनियम जो है 1955 में जो संशोधन करता है, उसका उद्देश्य यही है कि इन तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिम जो छह वर्गों के हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, उनको जो है भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। ठीक है, दूसरा जो इसमें यह है कि ये जो अधिनियम है ये भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, ये जो है भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ इन्हीं तीनों देशों के जो नागरिक है उस पर लागू होता है। और ये विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है, ये उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया, मतलब उनका कहीं ना कहीं धार्मिक उत्पीड़न हुआ, उन्हें भयभीत किया गया, उनका जबरन धर्मांतरण किया गया, ये उत्पीड़न है। इस अधिनियम में संविधान की छठी अनुसूची, अब इसमें यह भी है कि ये जो प्रावधान है संविधान का जो सिक्स शेड्यूल है, छठी अनुसूची है, उसमें जो है कुछ स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, इनके जो आदिवासी क्षेत्र हैं इन पे जो है ये लागू नहीं होगा, ये अधिनियम जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों पे, आदिवासी क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा। दूसरा जो है इसमें कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र हैं उस पे भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट वाला जो क्षेत्र होता है उसमें अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन क्षेत्रों में जो है ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तो इसके जो कुछ एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है जो है, ठीक है ना, एक्सेप्शन जो है, इसके एक्सेप्शन है, अपवाद जो है, वो अपवाद क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो छठी अनुसूची में आते हैं, और इनर लाइट परमिट वाले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड और मिजोरम, इन क्षेत्रों पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, ये इसके कुछ प्रावधान है। और अगला जो पॉइंट है इसमें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने, यदि किसी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित किसी भी कानून का उल्लंघन किया है तो भारत के प्रवासी नागरिक का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, इसमें यह भी प्रावधान है। तो हमने देखा कि 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया उसके कुछ प्रावधान के बारे में देखा। अब अगला जो हम देखेंगे कि इसको लेकर के जो है संबंधित चिंताएं क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, उसका इतना आलोचना क्यों की जा रही है इस कानून की, तो उसमें एक एक चीज देखेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे वो ये है कि इसके लिए संवैधानिक कुछ चुनौतियां हैं, संवैधानिक चुनौतियां हैं इस अधिनियम से। क्या संवैधानिक चुनौतियां हैं, तो आपको पता है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 14 है वो ये प्रावधान करता है कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, उसको किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन ये अधिनियम क्या कहता है, ये अधिनियम कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले वैसे गैर मुस्लिम जिनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और वो छह धर्मों से हैं, उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी हैं, उनको जो है भारत की नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत सरकार इन तीन देशों के जो छह अल्पसंख्यक है उनको अगर नागरिकता दे रही है तो वो नागरिकता किस आधार पर दे रही है, धर्म के आधार पर दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का एक उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है। सबसे बड़ा संवैधानिक चुनौती यह है। दूसरा जो है मताधिकार से वंचित होने की संभावना, इसमें यह है कि जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको डर लग रहा है कि सीए के जरिए सरकार जो है कुछ लोगों को तो नागरिकता दे रही है, कुछ को इसे वंचित रख रही है। जैसे इन तीनों देशों के जो मुस्लिम्स हैं उनको इसमें, जैसे अब पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो उनको जो है नागरिकता नहीं दे रही, तो उस कहीं ना कहीं उन यहां पे जो उनको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। असम समझौते पे प्रभाव, असम एकॉर्ड 1985 में भारत सरकार और असम सरकार के बीच 1985 में एक समझौता हुआ जिसको असम समझौता कहते हैं या उसको असम एकॉर्ड भी कहते हैं। इस समझौते के तहत 24 मार्च 1971 से पहले आने वाले लोगों को जो असम में है उसकी नागरिकता दी गई, उसके बाद आने वाले को नहीं। लेकिन भारत सरकार ने जो नया डेट ऑफ कट ऑफ डेट निकाला है वो क्या है, 31 दिसंबर 2014। तो ये, और इससे डर है कि कहीं ना कहीं इससे अगर असम में बसाया गया इन लोगों को तो हो सकता है कि ये जो है असम समझौते पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो पंथ निरपेक्षता और सामाजिक एकजुटता है,
हमारा जो पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म और सोशल यूनिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं ये हमला माना जा रहा है कि हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और वैसे देश में सदियों से जो है एक सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, तो धर्म के आधार पर अगर हम नागरिकता देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो सेकुलर करेक्टर है, जो हमारे प्रियम्बल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये जो है उसके साथ जो है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। और कुछ धार्मिक समुदायों का बहिष्कार, ये जो अधिनियम है नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो 6 अल्पसंख्यक है, गैर मुस्लिम है, उसको सिर्फ नागरिकता देता है। इसके अलावा भी हमें पता है कि श्रीलंका में हिंदूज हैं, तमिल्स हैं, तमिलों का वहाँ पे उत्पीड़न होता है, उसी तरह से जो तिब्बत में बौद्धों का होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक समुदाय को नागरिकता दी जा रही है, और कुछ धार्मिक जो समुदाय हैं, चाहे बौद्ध हों वो तिब्बत के या श्रीलंका के तमिल हों, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसी तरह से जो पाकिस्तान के अहमदियाज हैं उनका भी बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक समुदायों का बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये सब कुछ चिंताएं हैं, और इन चिंताओं को लेके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का पूरे देश में जब से ये अधिनियम लागू कानून बना है तब से जो है इसका विरोध किया जा रहा है, ठीक है ना। और आलोचकों का कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समय समर्थक के अधिनियम। अब यहाँ पे हमने देखा भ्रम क्या है, कुछ भ्रम के बारे में बात करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भ्रम ये है कि ये जो है ये अधिनियम जो है 3 देशों से भारत में आए मुस्लिमों को वापस भेजा जाएगा, तीनों देशों से गैर कानूनी रूप से भारत में आए मुस्लिमों को वापस भेजा जाएगा, ये जो है सबसे बड़ा मिथ है। जबकि हकीकत यह है कि नागरिकता कानून का किसी को भी भारत से भेजने से कोई लेना देना नहीं है। विदेशी नागरिक को भारत से बाहर भेजने की प्रक्रिया विदेशी अधिनियम 1946 अथवा पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत प्रदान की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई मुसलमान इन 3 देशों से भारत आ गया हो तो उनको भारत से बाहर भेजने का ये कानून नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, बल्कि नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो ये भ्रम है जो जिसकी वजह से जो है इस कानून का विरोध किया जाता है। और अगला पॉइंट हम देखेंगे कि आगे की राह क्या है। आगे की राह यही है कि इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, और लोगों का जो डर है कि ये कानून जो है ये कहीं ना कहीं एनआरसी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनआरसी, ठीक है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, और यहाँ के जो मुसलमान है उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं सीए को, है ना, सीए को एनआरसी से जोड़ के देखा जा रहा है, और इसीलिए जो है इस कानून का विरोध किया जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक करे, और लोगों को ये बताए कि ये कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है, किसी की नागरिकता छीने जाने के लिए है। दूसरा ये है कि आगे की राह में ये भी हो सकता है कि इस कानून के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी भ्रम है, उसको दूर किया जाए, और कोशिश की जाए कि भारत का जो सेकुलर करेक्टर है उस पर आँच ना आए, जो हमारा संविधान का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, उसके साथ भी जो है किसी तरह का छेड़छाड़ ना किया जाए। तो इस कानून के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स और मेंस एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से जब आप देखें तो इसके कुछ नोट्स बना लें, जो आपको पीडीएफ और पीडीएफ भी आपको इसमें शेयर कर दिया जाएगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो 11 मार्च 2024 को नोटिफाई कर दिया गया है, उसके प्रावधान क्या है, इसके लिए चिंताएं क्या है, ठीक है, और क्या संवैधानिक चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में हमने आज छोटे से वीडियो में बात किया। अगले वीडियो में हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।